आज मैं आपको बाइल्स यानी बवासीर के मसों को जड़ से ख़त्म करने की बहुत इफ़ेक्टिव और सस्ती सी एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी लाई हूँ, सिर्फ 10 रुपए की। होता क्या है, जो अनुचित खान पान होता है हमारा, जिसमें फास्ट फूड होते हैं या हैवी ऐसे खाने होते हैं जो देर से पचते हैं, ज़्यादा तला भुना खाना, ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन करना, इन सबसे हमारी पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पाइल्स में होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज होता है, कब्ज बनाने का ही कारण होता है ये ऐसे फूड को खाना। और अपने खाने में जो हम ये ऐसी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, यही खाना हमारा जाके हमारी डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। और इस होता क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं होता है, यानी शारीरिक काम कम होता है, दिमागी काम आजकल के समय में ज़्यादा हो रहा है। फाइबर्स कंटेन हम कम करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे स्टूल्स होते हैं वो हार्ड होने लगते हैं। अगर आप अपने खाने में फाइबर्स की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करने लगेंगे और खाने का ध्यान देने लगेंगे और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। इस वजह से जो हम पानी भी कम पीते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कब्ज को बनाने का। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, इससे हमारा पूरा डाइजेशन इम्प्रूव रहता है। और जब डाइजेशन इम्प्रूव रहता है तो हमें ऐसी बीमारियाँ नहीं पकड़ती हैं। अगर डाइजेशन हमारा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे अनुचित खान पान करेंगे, हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब रहेगी, तो कॉन्स्टिपेशन तो बनेगी ही, जिससे हमारी छोटी आंतें और बड़ी आंतें जो होती हैं वो अपना काम करना कम कर देती हैं, यानी शिथिल पड़ जाती, खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो भी हम खाते पीते हैं वो बहुत दिनों तक ऐसे छोटी आंतों और बड़ी आंतों में पड़े रहते हैं और सड़ते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ये है 10 रुपए की डिबिया, जिसे हम कहते हैं बोरोलिन। पहले के टाइम में बोरोलिन बहुत ज़्यादा मार्केट में ये अवेलेबल था, बहुत ही फेमस था स्किन के लिए, कहीं भी कट जाए, जल जाए, मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बोरोलिन यूज़ किया जाता था। आज भी मार्केट में अवेलेबल है, 10 रुपए की डिबिया आती है, इसका ट्यूब फॉर्म में भी आता है, आप दोनों कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कहीं भी कट जाए या कहीं भी घाव हो उनको भी ये भरने का काम करता है। तो ये मसों के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं मसों पे कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, उसको अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत इफ़ेक्टिव और रामबाण नुस्खा है। अगर आप एक बार आजमाएंगे आपको खुद ही पता चलने लगेगा, 2 से 4 दिन में ही जो मस्से सूज गए हैं वो हील होने लगेंगे और धीरे धीरे आपके मस्से पूरी तरह से सूख के झड़ जाएंगे, इतना इफ़ेक्टिव है। तो देखिए आपको एक दिन का, जैसे आपको एक दिन में कितनी बार लगाना है उतनी क्वांटिटी में हम आपको बता रहे हैं बनाने के लिए। तो देखिए स्पून से अगर लेंगे तो आधा चम्मच से थोड़ा कम है, इस गार्निंग छोटा चम्मच लेंगे तो आधा चम्मच होगा। और इसमें डाल देंगे ऐसे 1/4 स्पून के करीब हल्दी, यानी अगर 1/4 स्पून क्रीम लिया है तो 1/4 स्पून आप इसमें हल्दी डालेंगे। और तीसरी चीज़ जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, जो कि पाइल्स है, फिशर फेस्टुला के लिए भी बहुत रामबाण दवा होती है, जिसे हम कहते हैं कैस्टर ऑयल। हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि कैस्टर ऑयल इतना इफ़ेक्टिव है कि अगर आप सिर्फ कैस्टर ऑयल लगाते हैं तो फिशर के जो पेशेंट होते हैं उनके बहुत आराम से फिशर के जो घाव होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कम से कम 4 से 5 बार ये फिशर में इस तरह से कैस्टर ऑयल लगाना चाहिए। और ये देखिए हम इसमें यहाँ पे जैसे हमने डाला था 1/4 चम्मच तीनों चीज़ इसमें ऐड करेंगे, तो कैस्टर ऑयल भी 1/4 चम्मच के करीब ही आप ऐड करेंगे। इसको हाथ से मिक्स करिए, क्योंकि ये जो बोरोलिन होता है ना थोड़ा हार्ड होता है, तो स्पून से इजली नहीं मैश हो पाएगा, तो उंगली से इसको बिल्कुल क्रीम की तरह आप इसे फेंट दीजिए। इसको तब तक चलाइए जब तक एकदम क्रीम फॉर्म में बदल ना जाए। आप इसे बना के स्टोर करके भी चाहिए तो रख सकते हैं, तो इसकी क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग 1-1 चम्मच सब चीज़ ले लीजिए और आप बनाइए, 1 हफ्ते के लिए बना के रख लीजिए और फिर आप इसको यूज़ करिए। 1 ही हफ्ते में आप देखेंगे कि पूरी तरह से आप एकदम फिट हो जाएंगे, मस्से पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। और इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमने आपको पहले से रेमेडी दी है, आप उसे यूज़ करिए। लेमन और दूध वाली पहले रेमेडी उसको यूज़ करिए। तो ये देखिए कैसे मसों पे अप्लाई करना, जहाँ भी मस्से हैं जितनी दूर पे हैं आप उस तरह से आप फिंगर से आप उस पे अप्लाई करिए, ये इतना इफ़ेक्टिव होता है। या कहीं भी स्किन पे आपके दाग धब्बे झाइयाँ ऐसी चीज़ हैं तो उस पे भी ये चीज़ आप लगा सकते हैं। ये क्रीम बहुत इफ़ेक्टिव है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे इस तरह मसों पे अप्लाई करिए और कम से कम एक जो क्रीम बनी है ना ये 3 बार आप दिन में लगा सकते हैं, तो इसको दिन में 3 बार लगाइए। और सबसे पहले तो आप इसको वॉश, जैसे हम बताते हैं आपको बार बार सिकाई करना, सिकाई ज़रूर किया करिए, तब आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। सिकाई करने के बाद इस तरह से क्रीम को अप्लाई करिए और उसके बाद इसे आधे से 1 घंटे के लिए बिल्कुल ऐसे छोड़ दीजिए। रात में है तो पूरी रात भी ये लगा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है आपको।
ये पूरी 100% नेचुरल चीज़ है और इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला और आपका जो मस्से हैं वो पूरी तरह से हील हो जाएंगे और धीरे धीरे सूख के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और पहले ही दिन आप लगाएंगे तो देखेंगे जिसमें दर्द, नसों में दर्द होता है, तनाव रहती है, सूजन आ जाता है, वो आपका पूरी तरह से हील होने लगेगा। तो बहुत इफ़ेक्टिव है, देखिए किस तरह से ये बन के आधा चम्मच के करीब क्रीम बन गया है। तो इसे थोड़ा थोड़ा सा करके आप दिन में 3 बार इसे अप्लाई ज़रूर करिएगा। और मैं सिकाई के लिए आपको बार बार कहती हूँ, आप एक बार करके देखिए। सिकाई के लिए बैग भी आता है, हमने पोस्ट में डाला भी था कि इस तरह से अब बैग आने लगा है, जेल बैग भी आप उससे भी सिकाई कर सकते हैं। इसमें गर्म पानी डाल के आप इसे सिकाई कर सकते हैं, या फिर कैस्टर ऑयल आप पहले लगाइए फिर सिकाई करिए। आप इसको यूज़ करके देखिए, जो हम रेमेडी बता रहे हैं 100% इफ़ेक्टिव है और बहुत ही असरदार है। मेरे व्यूवर्स ने भी इसके बारे में बताया था, उसके आधार पे मैं इसको आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि उन्हें 100% इससे रिज़ल्ट मिला है। तो आप भी इसे अप्लाई करिए और आप देखिए, सिर्फ 10 रुपये की डिबिया आती है और एक डिबिया अगर आप रखेंगे तो आप इसी एक डिबिया से ही आपकी पूरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मसलों की जो समस्या है बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान है मसलों से, कई सारे पेशेंट हैं जो मसलों के लिए कई बार इसमें व्यूवर्स हमारे बोलते हैं कि मसलों के लिए दीजिए। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, आप एक बार इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा और आप खुद ही आप बताएंगे कि कितना ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट मिला है। ये बहुत असरदार है। ये जो कैस्टर ऑयल है ना, ये इडेबल कैस्टर ऑयल है, ये पीने वाला होता है। एक होता है जो सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, एक कैस्टर ऑयल होता है जो कि हम खाने पीने में यूज़ करते हैं। तो जो आप इसको खाने पीने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक ग्लास रात में गुनगुना दूध लीजिए, उसमें 2 चम्मच ये कैस्टर ऑयल डालिए और इसको रात में सोते समय ही पीजिए। इससे जो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और कब्ज जब दूर हो जाएगा तो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इससे जो स्टूल्स आपके बहुत पुराने हार्ड हो गए हैं जिसकी वजह से आपको ये सारी समस्याएँ हो रही हैं, स्टूल्स भी ईजिली पास आउट होने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन भी आपकी दूर हो जाएगी। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो नहीं करना है बिल्कुल, ये नॉन वेज जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी फूड होते हैं, ये ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उन्हें नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जब तक उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए। और ये नॉनवेज ऑयल में रहते हैं, ये बिल्कुल भी आपको बहुत नुकसानदायक होते हैं। ये ड्राई रोस्टेड जो विदाउट ऑयल होते हैं वो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं। एक पीस अगर है तो ड्राई रोस्ट आप इस तरह से खा सकते हैं, अगर आप नहीं रह सकते इसके बिना। और आपको फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, खड़े अनाज लीजिए। अंजीर की रेमेडी हमने जो दी है, दूध में रात में अंजीर और हल्दी आप उसको बॉयल करके पिया करिए, साथ साथ मूली के पत्तों का, मूली का जूस आप पीजिए। फाइबर से रिच हमने कई सारे फूड दिए हैं, स्मूदी दी है, उसको आप ज़रूर ब्रेकफास्ट में यूज़ किया करिए। जैसे गाजर का जूस है, चुकंदर का जूस है, हमने कई सारी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर की है कि आप उसको, आपके खाने पीने की जो प्रॉब्लम होती है उससे आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपको हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं अलग से कि पेशेंट के लिए कैसे खाना खाना चाहिए, तो आप उसे ज़रूर देखिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, आपको 100% से रिज़ल्ट मिलेगा। तो आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इससे परेशान हैं, आप उनकी हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो अपनी लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन होता है जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, अपना खूब खूब ख्याल रखिए, खाने पीने का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।